किसान भाइयों नमस्कार। सोयाबीन की उन्नत काश्त तकनीक के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं अनुसंधान केंद्र इंदौर से विकसित इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी किस्में हैं जिनको कृषक भाई लगाकर अधिक उपज पा सकते हैं, जिसमें हमारी पुरानी एक किस्म है छत्तीसगढ़ सोयाबीन 1, उसके बाद RSC 1046, RSC 1052, 1135, तो ऐसे और किस्में हैं जो इस क्षेत्र के अनुशंसित हैं। छत्तीसगढ़ में खासकर कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, भाटापारा, रायपुर जैसे समतली जगहों में, प्लेन एरिया में ही सोयाबीन की खेती होती है और यहाँ उपज भी कृषक भाई अच्छा उपज ले रहे हैं। तो कृषक भाई जो उपज लेने में कुछ सावधानी बरते हैं उत्पादन में, उसके लिए मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले कृषक भाई किस्मों का चुनाव सही करें। किस्मों के चुनाव के लिए मैंने आपको जो विश्वविद्यालय से भी अनुशंसित जो किस्में हैं उनके बारे में बताया, और उसके बाद बीज दर हम अनुशंसित करते हैं 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 30 किलोग्राम प्रति एकड़। इसको आप और भी कम कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो ये रो टू रो है, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर हमने अनुशंसित की है, लेकिन कृषक भाई इसको 20-25 सेंटीमीटर में रखते हैं, जिससे क्या पौधों की बढ़वार कम होती है। तो इसके और जो सीड ड्रिल से बोते हैं तो बीच का अगर तीन रो है, तीन कतार है, तो बीच में एक कतार को बंद कर दें वो, तो वो 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इससे क्या पौधों की बढ़वार ज़्यादा होगी और उसका विकास होगा और जो फलियां आएंगी वो भी ज़्यादा फलियां आएंगी, ज़्यादा नोट्स निकलेंगे, ज़्यादा फलियां निकलेंगी, इससे कृषक भाई ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। और दूसरा, वह कृषक भाई बीजोपचार भी अवश्य करें कि जो फफूंद नाशक है उससे, और राइजोबियम कल्चर जिससे कि नोड्यूल बढ़ता है, उससे नत्रजन की पूर्ति वगैरह होती है। उसके बाद जो ये खाद वगैरह भी अनुशंसित सही टाइम पर DAP वगैरह से दें। उसके बाद जो हमारी ये किस्म है 100 दिन के अंदर पक जाती है और छत्तीसगढ़ में 100 दिन की किस्म को ही पसंद किया जाता है, लेकिन आजकल कृषक भाई देख रहे हैं कि वो जब मैच्योरिटी आती है, पकने लगता है, तो उस समय पानी गिरता है। तो सावधानी से जून के आखिरी सप्ताह में इसकी बोनी करें और जल निकास की व्यवस्था अच्छे से अच्छा करें, ताकि ये जो भी किस्म बताए हैं आपको 100 दिन के आसपास है, 100 से 105 दिन, और इसके अधिकतम उत्पादन 30 क्विंटल तक ले सकते हैं और 25 से 30 क्विंटल तक इसका उत्पादन आता है। अगर इसके हम बाज़ार का दर देखें तो 3500 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, और कृषक भाई अगर एक प्रति एकड़ 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके भी अगर ये 10 से 12 क्विंटल भी लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन निकल सकता है, जो खासकर जो समतल प्लेन एरिया है, अपलैंड एरिया बोलते हैं, उसमें सोयाबीन की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। और हम प्लेन एरिया के अलावा भी जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया हैं, जैसे कि कांकेर है, गरियाबंद है, इस तरफ हम बीज विश्वविद्यालय से अनुशंसित बीजों का किसानों को देकर हम इसका एरिया को भी बढ़ाने का प्रयास। धन्यवाद।